नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो आपके डाउट हैं, जो आपके कंफ्यूजन हैं, बहुत बड़े कंफ्यूजन हैं और आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में जी रहे हैं। आपको लगता है, 2019 बैच वालों को लगता है कि सर हम प्रमोट हो जाएंगे और इस तरह से बहुत ज़्यादा अफवाहों से आप घिर चुके हैं, है ना। तो एक मन में आशंका है कि हम प्रमोट हो जाएंगे, है ना। और बहुत सारे जगह आपको यह नोटिस मिल रहा है कि सर 22, 23, 24 मार्च को भी बहुतों का कमेंट आया है, अभी हम कमेंट लेंगे। 22, 23, 24 मार्च को आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यह क्या सत्य है? यह बातें सत्य हैं? सत्य हैं तो कितना सत्य हैं? स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा? पेपर के बाद आएगा? अरे क्या बात हुई भाई। अभी हमारे सचिव जी से बात होने के बाद हमने आपसे बताया था कि भाई जो आपका रिजल्ट है वो इस पेपर से पहले आएगा और पेपर 15 मार्च से पहले होगा नहीं। जब 15 मार्च से पहले नहीं होगा तो 15 मार्च से लेकर हम बात किए थे जब, तो 15 फरवरी से पहले बात किया था, किए थे तो उन्होंने बोला था अभी एक महीने लगेंगे। यानी कि जब हमने 10 को बात किया था, अभी 9 फरवरी को बात किया था, तो 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक हमने क्या डेट बताया आपको? 15 मार्च से पहले पहले आपके स्कूटनी के रिजल्ट आएंगे, यही ना बताया भाई। तो फिर कहाँ कन्फ्यूजन में जी रहे हैं आप लोग? तो सारी बातें हम करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डीएलएड 2021 बैच, डीएलएड 2019 बैच, डीएलएड 2018 बैच से रिक्वेस्ट है कि अपनी संख्या बढ़ाएं। और जो यूपीटेट के क्लास, सुपर टेट के क्लास करने वाले प्रशिक्षु हैं, वो भी अपनी संख्या बढ़ाएं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से। हम सबकी क्लास के बारे में भी जिक्र करेंगे, कहाँ पर सारी क्लासेस हैं, है ना। तो सारी क्लासेस के बारे में जिक्र करेंगे, घबराने की बात नहीं। आप एक बार अपने खुद से आकर देख सकते हैं कि सारी क्लासेस कहाँ पे हैं। प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से सजा दिया गया है, आप खुद देखिए सारे क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लासेस बना ही नहीं पाते हैं। जैसे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्लास चलाए गए हैं वो खत्म हो जाते हैं 10-11 दिन के अंदर अंदर। तो फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे, जो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर किया करें। सिर्फ एक ही विनती तो होती है, जब दिन रात आपके लिए लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते यार। क्या आप 100 लोगों को नहीं जानते होंगे? क्या आप 50 लोगों को नहीं जानते होंगे? सिर्फ रीचमेंट बढ़ाइए, सिर्फ उनका हेल्प करिए आप जो यहाँ पे सच में आना चाहते हैं। अभी हम लेंगे कमेंट, एक दो प्रशिक्षु, बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे आए हैं कि भैया उनका कहना है कि सर हमें प्लेटफॉर्म बाद में मिला है, इस वजह से हम फेल हो गए, बैक लग गया। तो बैक लगेगा, और पता है अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपका घाटा थोड़े होगा, बल्कि आप शक्तिशाली बनोगे। क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान जी का एक कोट आपने सुना होगा, आप शक्तिशाली तब होते हैं जब आप शक्तिशाली तब नहीं होते जब आप खुद को जीत लेते हैं, या फिर खुद को जो चाहते हैं वो पा लेते हैं खुद से। आप शक्तिशाली तब होते हैं जब आप दूसरों को शक्तिशाली बना देते हैं, दूसरों को सही राह दिखा देते हैं, तब आपको शक्तिशाली माना जाता है और तभी आप शक्तिशाली हो भाई। अपने लिए तो दुनिया कर रही है, जमाना कर रहा है अपने लिए, खुद के लिए तो जी के देखो। जीने का मजा तब आता है जब खुद सामने वाला बोले हम इस भाई साहब के कारण डीएलएड पास कर लिए, हम इस भाई साहब के कारण यूपीटेट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए, आज इन भाई साहब का देन है कि हमें सेकेंड सेमेस्टर मैथ में अच्छा नंबर दिलवा दिए। तो यह सारी चीजें हैं आपके सामने देखने को मिलती हैं। आप जिसकी हेल्प किए रहोगे वह हेल्प आप भूल जाओ ना, लेकिन वह याद जरूर करेगा, कभी भी देखेगा ना तुरंत पैर पकड़ेगा, उस समय आपका दिल गदगद हो जाएगा, बहुत आनंद आता है सच बताएं तो। हेल्प करके किसी की देखिए तो, बस आप लोग अपना थोड़ा सा संख्या बढ़ा लें, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की प्रशिक्षुओं, क्योंकि आपके लिए दिन भर सारे क्लास लाए जाते हैं। अभी हम कुछ क्लासेस के बारे में जिक्र करेंगे जिसका नाम भी कुछ परिवर्तन किया गया है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के। तो सारी चीज़ें हैं, हम बताएंगे हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, अंतिम तक बने रहना है, कोई स्किप नहीं करेगा। उनसे रिक्वेस्ट है डीएलएड एग्जाम 21 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च को होने वाला है या फिर नहीं, ये बातें सत्य हैं या फिर असत्य हैं, क्या हैं, अफवाह है, कौन सी चीज़ है इसमें जो आप लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, हम सारी बातें करेंगे। स्कूटनी की रिजल्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 के बाद बताएंगे, 26 के बाद बताएंगे, 27 के बाद बताएंगे, आएगा कब आएगा भाई? 25 के बाद, 26 के बाद, 27 के बाद वही बताएंगे आपको जिनको, जिन्होंने डायरेक्ट पीएनपी सचिव से बात नहीं किया है, और जो डायरेक्ट बात कर लिए हैं जो भी हमारे शिक्षक, तो खुद आपको क्लियर कर देंगे कि 15 मार्च के पहले आएगा, बाद में भटकाने वाली बात नहीं है। या फिर हो सकता है अगर पीएनपी सचिव जी खेला खेलने लगेंगे ना, तब हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन जो बातें सत्य हैं
हम अगर 100 सूचना देंगे तो 100 सूचना में से एकाक दो ऐसा सूचना होगा जो हो सकता है बाय द वे गलत हो जाए, लेकिन हम सिक्योरिटी के साथ आपको सारी चीजें बताएंगे। भले बाद में उसका उल्लंघन किया जाए उनके द्वारा, और कुछ प्रशिक्षु बहुत बाद में आकर उस वीडियो को देखें और उसको अगर हम सुधार दिए हों तो बहुत पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो भैया गलिए देंगे ना, क्योंकि तब के समय कानून कुछ और था, आज के समय कानून कुछ और हो जाएगा। रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं ना। डीएलएड क्लास के टाइमिंग हम बताएंगे, बीएड के एक बहुत सूचना है, बीएड के लिए, बीएड जो सेकंड सेमेस्टर में है, बच्चे थे वो प्रमोट हो चुके हैं भाई, अपना रिजल्ट वगैरह देख लीजिएगा। यूपी टेट तैयारी करें कि कब से तैयारी करना स्टार्ट करें यूपी टेट का, ये भी जिक्र करेंगे भाई। एस्टेट की तैयारी कब करना स्टार्ट करें, इसके पहले मैं एक चीज बता देते हैं, सीआईएसएफ का फॉर्म आया है, आप लोग भर देंगे अगर भरना चाहते हैं तो। एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म है, लास्ट डेट 3 या 7 तारीख को है ना, 7 मार्च, भर दीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि सर कब इसका एग्जाम होगा, तो बता देते हैं लास्ट अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है हाँ लास्ट अप्रैल ही इसका संभावित डेट होगा। और अगर इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया भाई, यह बहुत हमको अच्छा लगा, कितने अभ्यर्थी बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, कितनों ने गाली भी दिया, हम कहे ठीक है भाई गाली दे लो, क्या दिक्कत है, गाली खा खा कर आगे बढ़ेंगे है ना, गाली खाकर मजबूती और आएगी अंदर से, जितना आप हमारा बुराई करेंगे ना उतना मजबूत होंगे हम, पता है क्यों, क्योंकि हम अपनी बुराइयों को तो जानना चाहते हैं और उसी को ग्रैप्स करेंगे, उसकी वो चीज़ हम खत्म करेंगे। देखिए जो लोग आपकी बुराई करते हैं, अभी एक प्रशिक्षु था जो बोला है सर हम बहुत, मतलब अभी उसका नाम लेंगे हम बताते हैं, सर हम बहुत ज़्यादा हमको बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं अरे सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गए तो लड़कवा, अरे यूपी टेट कई बार दे भर लड़कवा लेकिन अच्छा नंबर ना लिया, तो याद रखना उसके लिए युद्ध नहीं, उसके लिए युद्ध नहीं किया जो चाहिए, उसके लिए युद्ध नहीं किया जो चाहिए तुम्हें, उसके लिए रोना व्यर्थ है। जब उसके लिए आप युद्ध ही नहीं किए जो रियल में आपको चाहिए, उसके लिए रोना व्यर्थ है भाई। अरे तुम तो मेरे माजी हो भाई, माजी जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ना मत, बस यही कहेंगे। जो लोग व्यंग करते हैं ना, करने तो व्यंग करने से उनके हमारे अंदर और शक्ति आती है, पता है कि नहीं, कृष्ण भगवान कहा करते थे व्यंग सुनो सबका करो अपने मन का, ठीक है भाई। तो जो आप अपने मन का करोगे, व्यंग सुनते 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 पत्थर पे जितना लात मारो, पत्थर को कुछ होगा, पत्थर मजबूत बनेगा और ना भाई कठोर बनेगा, कठोर है तो उसी तरह कठोर हो जाओ, एक दिन ना आप सच में बता रहे उसको दहला के रख दोगे, जिस दिन आपका चयन होगा। तो प्रिय मित्रों ये सारी सिचुएशंस आते रहते हैं हमारे लाइफ में, और एक तरह से हमारे पार्ट, हमारे लाइफ का एक पार्ट है, इतना समझ लीजिए कि कोई भी आज देख लो, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, किसी को भी देखिए, हम भगवान की ही बात नहीं करते, नहीं तो अन्यथा आप कहेंगे सर गॉड पे हम विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक हैं यही बोलेंगे, लेकिन नास्तिक का और आस्तिक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस इतना जानना है ये दरअसल हमारे लाइफ का पार्ट है ना, हमारे लाइफ का पार्ट है। जब कोई इंसान सक्सेस हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे जलन हो जाता है, जेलस हो जाता है उनके लिए, कल मैं कहानी भी सुनाया था आपको जेलस का, तो उसके अंदर मतलब उसके लिए उसके चारों तरफ के लोगों को मतलब एक तरह से लोग उससे जलने लगते हैं कि अरे ससुराल बड़ा तीर मार दिया, लेकिन उसकी कठिनाई नहीं देखते हैं, उसका हार्ड वर्क नहीं देखते हैं, उसका रातों का जगना, आंख खराब करना, आंख लाल करना, कई रातें तक वह सोया नहीं होता है, कई रातें वह बिस्तर पे नहीं सोया होता है, कई रातें वो भूखा रहा होता है, कई रातें उसको जब रात को भूख लगती है तो खाना नहीं खा पाता है, मतलब रात को जग कर पढ़ना, रात को स्ट्रगल करना, दिन में स्ट्रगल करना, आम भागा दौड़ी करना, यह सब कोई नहीं देखता है, लेकिन एक दिन जरूर देखता है जिस दिन वो सक्सेस होता है, कहता अरे वाह बहुत बढ़िया नसीब रहा ससुरा का कि पा गया नौकरी है, तो यह लोग देखते हैं। लेकिन जो नौकरी नहीं पाया उसके लिए भी लोग व्यंग कसते हैं, अरे बड़ा दिन से तैयारी करा तो लड़कवा हो साहु साहब काहे ना नौकरिया, पहले कहो चौधरी साहब लड़कवा तुम्हारा काहे नहीं नौकरी पाया, इतने दिन से तैयारी कर रहा है, तो ठीक है नहीं पाया तो क्या आपका बेटा पा गया है, तो नहीं पूछना जरा, अभी छोटा है ना तो तैयारी तो करेगा, आगे डीएलएड करेगा, बीएड करेगा, हो सकता है कि एमएलए वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें कर ले, अब बन जाए आपका लॉयर वगैरह, बन जाए लॉयर वगैरह की तैयारी कर ले, कुछ भी करा देना, सीए करा देना उसे, बीटेक करा देना, एमटेक करा देना, सारी चीज़ें करा देना उसे, फिर पूछना उससे भाई इतना लेट काहे कर रहे हो, नौकरी कब दोगे, तब वो बताएगा पापा जी सिस्टम की खराबी है, हम तो तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिस्टम में क्या है, जो पेपर आएगा पहले उसको पेपर कराने के बाद उसने एक आंसर की जारी करेगा, आंसर की के बाद रिवाइज आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट के लिए के टोटका होगा कि आज आएगा कल आएगा, पता चलेगा एक महीने बाद आएगा, फिर एक महीने बाद आया अरे सही से रिजल्ट नहीं आया, फिर बवाल होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, फिर उसके बाद इस तरह एक साल बीतेगा, फिर उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम, ग्रुप डी का ही बात कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा हड़ताल होगा धरना होगा, रिजल्ट सही से आएगा, अब उसके बाद चयन के लिए लो मारा मारी करो, अब दूसरा एग्जाम होगा, मतलब इस तरह से बहुत प्रोसेस लंबा होता है और इसी में एज निकलते हैं बच्चों के,
और इसी वजह से बोलते हैं एक चांस, मात्र एक चांस हमारे लिए बहुत जरूरी है और एक चांस मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है अब, तो उसको लेके रहना है और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये ताकत बना के रखना है। दूसरों ने जो बोलने बोलने दीजिए भाई, ये सारी चीज़ें नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, यहाँ पर एक याचिकाकर्ता है जो कि एक IPL मतलब PIL जारी किए हैं, PIL दायर किए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि जितनी भी पार्टियां हैं अगर वह कोई चीज़ बोलती हैं कि भाई यह चीज़ें होंगी, यह चीज़ें हम इतने बच्चों को नौकरी देंगे, इतने चीज़ें यहाँ पर नाले कटवाएंगे, यहाँ पर पोखर बनवाएंगे, तो अगर यह चीज़ें कोई पार्टी अलाउन कर देती है, अगर वापस नहीं करती है 5 साल के अंदर अंदर, तो उसका जो है ना उसका जो मान्यता है रद्द कर दिया जाएगा। यह याचिका दायर किया गया है अभी, यह वैलिड नहीं किया गया अभी, याचिका दायर हुआ है। अब इसमें बहुत सारी पार्टियां होंगी इसके विरोध में हो जाएंगी। अब आपको पता है हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी कार्यपालिका विधायिका हो सकता है और विधायिका कार्यपालिका भी हो सकता है। IGT जब अगर वो मंत्रालय में बैठ के कोई काम करते हैं हमारे विधायक लोग, मतलब कि एक तरह से हमारे सांसद लोग, तो एक तरह से कार्यपालिका, और वही चीज हमारे उपराष्ट्रपति को देख लीजिए या फिर राष्ट्रपति को देख लीजिए, तो हमारे विधायिका के रूप में हो जाते हैं, या फिर यही लोग जब संसद में पारित कराने जाते हैं बिल को तो विधायिका हो जाते हैं। तो इसके बाद जो न्यायपालिका है वो आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू अलग है, तो भाई साफ साफ है उसमें सभी लोग गुहार लगाते हैं, वही सबका न्याय करता है, तो न्याय वहां पर मिलेगा। अगर ऐसी बातें निकल के आ रही सामने तो भविष्य में ये देखने को जरूर मिलेंगी, और जब भविष्य में देखने को मिलेंगी चाहे हम रहें या ना रहें, आने वाला कल हमारा बहुत ही अच्छा होगा, समझ रहे ना। ये बातें होनी चाहिए और उसका मान्यता ही नहीं, ससुरे को जान से मार देना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। भैया DLED एग्जाम की बात करें 22 और 23 की और 24 की, तो 22, 23, 24 मार्च अभी तक कोई डेट नहीं है। ये बातें अफवाह हैं, ये अफवाह हैं, बिल्कुल अफवाह ही हैं, क्योंकि भाई अभी तक कोई डेट नहीं है। अगर डेट है भी तो सचेत हो जाओ, अगर 22, 23, 24 जिसको लग रहा है और ना भी लग रहा हो तो समझ लो कल ही एग्जाम है। जो चीज़ें हमने पढ़ा दिया पढ़ कर जाना और याद रखना वही छपेगा, सेम वही कापी पे छपेगा जो हम इस बोर्ड पे छापते हैं डेली, जितने भी क्लास होते हैं भी हम क्लास का जिक्र करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 22, 23, 24 न देखें और न यह सोचें कि एग्जाम थोड़ा अप्रैल में जाएगा। अब एग्जाम तो होना तय है, जो बच्चे ये मूड बना के बैठे हैं ना कि प्रमोट हो जाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है मूड अपना बदल लीजिए, ठीक है भाई, मूड बदल लीजिए, प्रमोट नहीं होने वाले हैं। और प्रमोट यहाँ पे अब क्या बोला जाएगा, ठीक है ना, प्रमोट नहीं होने वाले हैं, बस इतना समझ लो। बस आप तैयारी करो जो आपको करना है और इसी में आपकी भलाई है। तैयारी करने में बुराई नहीं है, पढ़ने में बुराई नहीं है, प्रमोट होने में लेकिन बुराई है। अगर आपका कोई चीज़ DLED में छूट जाता है तो UPTET में आप तैयारी कैसे करोगे, तो इसका फ़ायदा उठाओ ना, पॉजिटिव सोचो उसमें भाई। आपको यही सारी चीज़ें UPTET में भी देखने को मिलेंगी, SuperTET में भी, यानी कि 75 से 80% जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका, वो तीनों में DLED, UPTET और इधर STET में वैरी करता है, तीनों मतलब तीनों एक तरह से पूरा मिला जुला है, मिले जुले भगत हैं ये सब। स्कूटी रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों आपको बार बार बता चुके हैं, एक बार फिर से हम गुहार लगाते हैं, 15 मार्च से पहले आ जाएगा, चाहे वो आप सेकंड सेमेस्टर के लिए दिए हों, चाहे आप उसके लिए एक तरह से कह लीजिए कि भाई आप फोर्थ सेमेस्टर वाले हों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग तैयारी करिए। और जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के हैं बोलते हैं कि सर फोर्थ सेमेस्टर वाले क्या बैक लगा है, तो क्या फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, इसी बार होगा भाई, इसी बार होगा, जितने बैक वाले प्रशिक्षु हैं इसी बार होगा, ठीक है ना। और जो हम फोर्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट की है मैथ का, उसको देखिए आप लोग, है ना, टाइम मिल रहा है तो उसको देखिए, अन्यथा जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के मैथ की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है उसी दोनों पर फोकस करिए। फोर्थ सेमेस्टर हम बनाकर उसका क्लास पढ़ा कर रख देंगे, उसको बाद में आप देखिएगा। BEd के लिए बता दिए भाई, हाँ DLED क्लास टाइम बता देते हैं हम आपको। देखिए DLED थर्ड सेमेस्टर की पहले बात कर लें तो DLED थर्ड सेमेस्टर का मैथ फिनिश हो चुका है, SST थोड़ा मोड़ा बचा है, साइंस फिनिश हो चुका है, सारा सिस्टम सजा दिया गया है, कहाँ भैया प्लेलिस्ट में, हिंदी भी फिनिश है, हिंदी का प्लेलिस्ट सजा दिया गया है, आकर देख लीजिएगा सज्जन साहब। इसके बाद अगर बात करें DLED फोर्थ सेमेस्टर का, DLED सेकंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, DLED सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ हमने मैथ पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से, उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आकर देखेंगे, प्लेलिस्ट को सजा दिया गया अच्छे से। DLED सेकंड सेमेस्टर के नीचे केवल सेकंड सेमेस्टर का ही क्लास होगा, तो उसका भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद रह गई बात DLED फोर्थ सेमेस्टर की, तो DLED फोर्थ सेमेस्टर की जो है हमने ना कुरकुरे के नाम से बैच स्टार्ट किया है, बहुत बेहतरीन बैच है, क्योंकि कुरकुरे ही बेहतरीन है मेरा, तो वह भी बेहतरीन है। तो इस तरह से कुरकुरे बैच स्टार्ट हुआ है, उसको देखिए, बिल्कुल कुरकुरे की तरह लगेगा भाई, मस्त तरीके से एकदम मस्त, जितना मस्त कुरकुरे उतना मस्त हुआ, मतलब बहुत बेहतरीन क्लास होगा, देखिए तो सही दीवाना बना देंगे आपको। बस स्टार्ट हो गया है आज से क्लास फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का, आप लेना स्टार्ट कर दीजिए जो बच्चे हैं, ठीक है। और रही बात DLED जो मैथ की क्लास है वो कब आती है, 2:30 बजे, यानी कि 2:30 पर दोपहर में आती है। और जो थर्ड सेमेस्टर का SST का क्लास है वो आता है 12:00 PM पर डेली।
इसके बाद जो रह गया मैथ का क्लास, इसका फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का क्लास कितने बजे से आता है तो बता देंगे 5 बजे से आता है, 5 PM। ये तीनों क्लास तो कंटिन्यू रहेंगे। अब वैरी क्या करेगा इसमें, हम मात्र 10 दिन लेंगे खत्म करने में फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ और मात्र 10 दिन लेंगे खत्म होने में फोर्थ सेमेस्टर का मैथ। इसके बाद उसी जो उन्होंने जगह पर हम स्टार्ट कर देंगे क्या साइंस, ठीक है, साइंस मात्र 2-3 दिन या 5 दिन लगेगा, उसके बाद SST। तो इतना याद रखिएगा, अगर हमारे पास अभी 1 महीने का समय है तो 1 महीने में हम 1 महीने से पहले पहले यानी कि 20 से 25 दिन में सारा का सारा सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर का मैथ साइंस SST और मैथ साइंस SST आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट करा देंगे। सिर्फ आपका काम है उसे शेयर करना, फैलाना। और जो बच्चे बोल रहे हैं सर UPTET की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तो हम उनसे बोल रहे हैं बार बार, UPTET की जब हम क्लास नहीं दिए थे तो हमारा कहना था कि भैया तैयारी करिए, आराम आराम से करिए, लेकिन अब क्लास दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप बाद में जब कभी भी तैयारी करने आओ तो पहले क्लास को देखो, अच्छे तरीके से क्लास को देखो। 70 क्लास मैथ के हैं, 50 क्लास इन्वायरमेंट के हैं, लगभग 40 से 50 क्लास आपके CDP के हैं, उसके बाद हिंदी के 2 क्लास हैं, एक तो टेस्ट वाला सीरीज है, एक तो बेसिक क्लास है। तो 4 क्लास पे फोकस कर लो ना। अब समझ लो सबको मिला देंगे तो लगभग 200 क्लास होगा। अब 200 क्लास के लिए अगर आप अभी से तैयारी नहीं करना स्टार्ट किए तो पीछे रह जाओगे महाराज, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल कब भी जाता है पता नहीं चलता है। सुपरटेट का क्लास एक सुबह आता है, उसको लीजिए, उसमें समसामयिक हम जोड़ देंगे तो वह 60 नंबर आपका कवरेज होगा, 60 नंबर कवर कराएगा। अब बताओ, अब आपका कमेंट ले लें फटाफट। हाँ भाई देखो, इनका कहनाम है कि भाई हाँ हाँ, हमने वो चीज़ें जो चला रखी है ना, जो क्लास कुरकुरे के नाम से, उसको लीजिए, बहुत ज़रूरी है भाई और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, है ना, आप बहुत ज़्यादा शक्तिमान हो। देखो भैया, पहचान सबसे बनाइए आप, है ना, पहचान सबसे बनाइए, सबसे का मतलब सबसे बनाइए, आपको पहचाने हर कोई, इस तरह पहचान बनाइए अपना, मगर भरोसा सिर्फ एक पर करिए, जिस प्रकार से हमारा कुरकुरे पे है, मतलब कुरकुरे बैच पर है भाई, उसी प्रकार से सिर्फ एक पर भरोसा करो मेरे भाई, मस्त हो जाएगा पूरा लाइफ सेटल इस तरह से, बस यही होता है लाइफ में। और यहाँ पर आकृति श्रीवास्तव जी का कहना है, थैंक यू बेटा, आप सारे क्लास देखिए, SST की क्लास, सब कुछ, जितने क्लास आते हैं, जितने क्लास पढ़े हैं सब देखिए। सॉरी, मम्मी का फ़ोन आ रहा था, तो मम्मी अब बाद में जिक्र करेंगे उसका। चलो, प्रियंका सिंह, थैंक यू बेटा। अंजलि वर्मा जी का कहना है सर UPTET की पेपर 2022 वाला SuperTET के पहले एक बार फिर से हो सकता है? बिल्कुल होगा, तैयार रहो करने के लिए, सारी क्लासेस हैं, आप तैयारी तो करना स्टार्ट करिए पहले, जो चीज़ें बाद में होने वाली हो तो होंगी भाई, क्यों उसकी बारे में आप सोचते हो। श्री कृष्ण भगवान जी कहा करते थे, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं वो हमारे वजह से ही घटती हैं, क्योंकि हम अपने प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं रहता मेरा, हम आगे की सोचते रहते हैं। अभी तो पहुंचने वाले हैं घर पे, लेकिन पूछ अभी रास्ते में है, लेकिन सोच रहे हैं घर पे पहुंचेंगे तो या मतलब उतरेंगे, गाड़ी अंदर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जिस समय आप हो अपने प्रेजेंट में तो जियो, दुर्घटनाएं कभी नहीं घटेंगी, ये हमारे कृष्ण भगवान जी का कहना है, ठीक है भाई। तो दुर्घटना घटाना है, दुर्घटना में ग्रसित रहना है, तो वह चीज़ सोचिए जो आपके पीछे बीत चुका है। अगर दुर्घटनाओं से बचना है आगे, तो आगे का चीज सोच लीजिए थोड़ा सा, भैया ये ऐसे ऐसे प्लान बनाएंगे तो हमारे बहुत अच्छा से लाइफ बीतेगा। हाँ, लेकिन प्रेजेंट में जी कर, प्रेजेंट को सोच कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। भैया आप एक आचार्य हैं, भविष्य के आप टीचर बनने वाले हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो गलत शब्द और पहली बात जो सोच होनी चाहिए आपको ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को सिखाएं, दूसरों को समझाएं, लग जाए कि आप शिक्षक हैं महोदया। प्रियंका सिंह, नाइस वीडियो, थैंक यू बेटा। आप लोग वीडियो सारे देखा करिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही होता है। विकास कुमार यादव, यस सर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होगा। आकृति श्रीवास्तव, बेटा आप बहुत अच्छे हो, बहुत सारे क्लास को फॉलो करने लगे हो, बहुत अच्छा है। आप लोग बेटा, बहन, जितने भी भाई बहन हैं मेरे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग सारे क्लासेस शेयर किया करिए, अपने घर के जितने भी सेल हैं, जितने मोबाइल हैं, उनसे कम से कम सब्सक्राइब करिए भाई। अगर एक लोग से कम से कम 50-60 से परिचय नहीं होगा ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताइए, भले वह पढ़ने वाले ना हो तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, जिससे कि रीच बढ़ेगा, रियल में जिसके पास ये वीडियो जानी चाहिए उसके पास तक जाएगा। और आप लोग लाइक भी नहीं करते भाई, लाइक कितने किए हैं है? लाइक भी नहीं करते, आप सोचो, शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। ज्ञानति कुमारी जी, ऐसा होना चाहिए सर, बिल्कुल होगा, तो आप लोग शेयर तो करो, मतलब काम तो करो, सब कुछ करो। ममतेश यादव जी, सर क्या करें मरने का, ये कौन है भाई, ममतेश मिश्रा,
ममतेश यादव नहीं, ममतेश मिश्रा है। ममतेश यादव जी थैंक यू बेटा, हम मेहनत करेंगे भाई, आप कह रहे हो ऐसा ना, हम मेहनत करते हैं सच में, थैंक यू भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आपको अगर लगता है हम बहुत मेहनत करते हैं तो बस ऐसे ही मेहनत करने लगो ना, क्या दिक्कत है, मेहनत करने से कौन पीछे हटता है। आदमी का जन्म इसीलिए हुआ है कि मेहनत करे, मेहनत करे भाई। बिना मेहनत अगर सोच रहे हो बैठे बैठे रोना, पता नहीं कैसा कहावत है ना, बैठे बैठे रोना फिर छोड़ो, आता नहीं छोड़ो। तो भाई ममतेश मिश्रा जी आप क्यों ये सब क्यों दिमाग में लाते हैं ये सारी चीज़ें, मतलब समझ रहे हो ना, बेकार की चीज़ें दिमाग में, मतलब भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू आकृति श्रीवास्तव, ज्योति कुमारी थैंक यू बहन, आकृति श्रीवास्तव रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ठीक है भाई, अच्छा लगा रख अच्छा है। खुशी मौर्या जी सर बैक वाले भर्ती में शामिल होंगे या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए खुशी जी, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है बहन, तो थोड़ी सी यहाँ पर हमको मशक्कत करने को देखने को मिल सकता है। अगर वैकेंसी या फिर पार्टी चेंज होती है, पार्टी चेंज होता है सपा की आती है, तो थोड़ा सा हो सकता है सुपर टेट पहले से आ जाए, पहले आ जाए। लेकिन अगर पार्टी नहीं चेंज होती है, हमारी वही सरकार रहेगी योगी बाबा वाला, तो मुश्किल होगा कि वैकेंसी 2023 के मिड तक भी आए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रिस्क तो हर जगह है, जहाँ रिस्क नहीं वहाँ समझ रहे हो ना, वहाँ मज़ा है ही नहीं, कुछ नहीं मज़ा है, रिस्क में ही असली मजा है। रिस्क उठाओ, मतलब इसमें तो रिस्क उठा ही सकते हो भाई, जब एक और दो में अंतर हो, मतलब यहाँ पर यह चांस हो कि भाई इसमें से कोई एक जीतेंगे, इसमें से अगर एक कोई पा जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, तो रिस्क उठा लो, वहाँ पे रिस्क उठा लेना चाहिए। और उस रिस्क से अगर किसी का बुरा होता है तो छोड़ दो उस रिस्क को, लेकिन किसी का अच्छा होता है ना, या फिर कह लो कि एक का बुरा और 100 का अच्छा होता है, तो उस रिस्क को उठा लो। वो चीज़ें अगर बुरी भी हैं तो उस चीज़ को कर लो, क्योंकि 100 का तो अच्छा हो रहा है ना, एक का भले बुरा हो रहा है, लेकिन 100 का तो अच्छा कर रहे हैं आप ना, समझ रहे हो ना भाई। तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी होती हैं, और कहीं कहीं क्या होता है अपना हिसाब भी गलत हो जाता है, आंकड़ा गलत हो जाता है, लेकिन फिर से उसको सही किया जा सकता है अनुभव के हिसाब से। सौम्या अली जी का कहना है सर ये बताइए डीएलएड 2019 बैच थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा क्या फोर्थ सेम का? भैया देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा बस वही होने वाला है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पूरा सेमेस्टर का होगा। इसके बाद जो सेकंड जो 2021 वाले बच्चे हैं, बैच के बच्चे हैं, उनका अगर एग्जाम की बात कर लें तो उनका जो एग्जाम होगा भाई कह लीजिए कि अप्रैल लास्ट तक, या फिर हो सकता है अगर आप लोग के साथ जैसे इस बार सितंबर में एग्जाम हुआ था जो बीत गया 2021 वाला, तो उसमें क्या हुआ था, जो फ्रेश प्रशिक्षु थे उनका आगे हुआ था, बैक वाले का पीछे हुआ था मात्र 10 दिन के अंदर पे। तो हो सकता है कि यह वाला भी इसी तरह हो जाए कि जो बैक वाले हैं, जो थर्ड सेमेस्टर के हैं प्रशिक्षु, जो फोर्थ सेमेस्टर के बैक हैं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम हो, इसके बाद मतलब 10 दिन के अंतराल पे सेकंड सेमेस्टर का भी हो जाए पेपर, तो आप लोग तैयार रहेंगे भाई सेकंड सेमेस्टर वाले। दशरथ जी भाई देखिए आप बहुत मेहनत करने में पता है, आप लगे रहिए। दशरथ जी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया आप अपने जितने भी बच्चे हैं, आप मतलब जितने प्रशिक्षु हैं आपके साथ, जितने भाई बहन हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, जितने जानकार हैं आप उतने थोड़ा सा शेयर कर दें, जिससे कि वो भी आकर अपना क्लासेस कर सकें। मंजू यादव थैंक यू बहन, अंजलि यादव थैंक यू, जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल भी निकलेगा। थैंक यू बहन। धीरेंद्र गंगवार जी बिल्कुल थैंक यू बेटा, आपको भी थैंक यू सभी लोग को थैंक यू भाई। ठीक है इतने थे आपके कमेंट थे, थोड़े से हमने ले लिया, और आप लोग थोड़ा सा हौसला ना हारा करें भाई। ये कौन है भाई, विकास कुमार यादव जी, यस हाँ भाई ठीक है, सब कुछ आपकी मर्जी से होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करिए मेहनत रंग लाएगी, है ना। और रही बात जो चीज़ें सेपरेट हैं वो सेपरेट ही रहें तो बेहतर है, और रही बात अभी भी अगर आपको लगता है कि सारे क्लासेस नहीं देखें या फिर अभी नहीं स्टार्ट किए हैं सारे क्लासेस, तो रिक्वेस्ट है आपसे क्लासेस शुरू कर दीजिए, देखना सब आकर एक बार देख लीजिए, क्लास छोड़ कर जाने का नहीं मन करेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप अपनी संख्या बढ़ाइए, धुआँ तो उठेगा, और धुआँ उठेगा भी नहीं, धुआं वो भी रियल धुआं होगा, या नहीं कि केवल धुआं उठ रहा है, धुआं उठेगा उसी जगह से। अच्छा आग जहां जलता है वहां धुआं उठता नहीं, पहली बात है, तो आग लगेगा इतना समझ लो। जब सीने में आग लगी है, कहीं भी आग लगाओ, लेकिन सीने में अगर आग लग जाए ना तो वो चीज़ें मिल ही जाती हैं, तो ऐसी जगह लगाओ जो चीज़ें हमें सच में मिल जाएँ, है ना। तो चलिए सभी को गुड नाइट, और आप लोग अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिए, सारे क्लास को रिवाइज करिए, धन्यवाद।